फ्रेंड्स, आज मैं कुकर में बहुत ही मसालेदार टिंडे की सब्जी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, एक बार आप इस टिंडे की सब्जी को बनाकर खा लेंगे तो आप पूरे सीजन टिंडे की सब्जी इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे और आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। आइए इस सब्जी को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने टिंडे लिए हैं जिन्हें मैंने धोकर छील कर जिसे साफ करके लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इन टिंडों को एक बड़े बाउल में निकाल लिया है और इसमें मैंने मसाले डाले हैं कुछ। जैसे कि हम मसालेदार टिंडे बना रहे हैं तो सारे मसाले हम इसी में डाल देते हैं। लाइक जैसे हल्दी पाउडर हमने डाल दी, लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया, एक स्पून धनिया पाउडर डाला और ये मैंने 1.5 स्पून जो है सौंफ पाउडर डाला है। मसालेदार टिंडे इसलिए हमने मसालों की क्वांटिटी भी अच्छी ली है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा जो होता है, और ये मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसमें डाल दिया। उसके बाद हल्का ऑयल डाल देती हूँ, जैसे कि बस 1 स्पून टाइप का। थोड़ा सा पहले मसाले को मिक्स करते हुए मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। बस 1.5 स्पून डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते ऑयल, ताकि हमारे ये जो सारे मसाले वगैरह हैं वो आपस में टिंडे में अच्छे से चिपक जाए, अच्छे से सेट हो जाए। तो ये 1.5 स्पून ऑयल डालने के बाद इसे खूब अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। मसालों में बिल्कुल अच्छे से लपेट जाए उस हिसाब से मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले में मतलब मिक्स कर लिए हैं अच्छे से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब मसाले इसमें अच्छे से चिपक जाए, सेट हो जाए, उसके लिए मैं इसे साइड से ढककर 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। जब तक ये सेट हो रहे हैं, यहाँ पे मैं एक कुकर गैस पे रखती हूँ। इसमें मैं 1.5 स्पून ऑयल डालती हूँ और ऑयल गरम होने देती हूँ। जैसे ही मेरा ऑयल गरम हो जाए, इसमें मैं 1/2 स्पून जीरा डाल देती हूँ और 1 पिंच हींग इसमें मैं डाल देती हूँ। और जीरा और हींग को खूब अच्छे से भूनते हुए मैं भून लेती हूँ ऑयल में। जीरा हींग मैंने भून लिए हैं। इसके बाद इसमें मैं अब अपना नेक्स्ट सामग्री डालूंगी, जो है हमारे बेसन। ये हमारी इस टिंडे की सब्जी की स्पेशलिटी है। हम 1 स्पून बेसन डालेंगे और बेसन को इसमें भूनेंगे। इससे हमारे टिंडे की सब्जी के फ्लेवर जो है बहुत और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और मसालेदार टिंडे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। बेसन को मैं अच्छे से भून लेती हूँ कुकर में। यह मैंने बेसन को भून लिया है। इसके बाद इसमें मैं अब डाल देती हूँ ये कद्दूकस किए हुए टमाटर हैं। हमने टमाटर को ना पीसा है ना कट किया है, इन्हें कद्दूकस करके यूज़ करना है। और कद्दूकस किए हुए टमाटर को मैं कुकर में डाल के खूब अच्छे से भून लेती हूँ। इसके बाद ये 1 स्पून मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया था, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अदरक हरी मिर्च के पेस्ट को भी टमाटर में खूब अच्छे से मैं भून लूँगी। ये भी मैंने खूब अच्छी तरीके से भून लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। ये हमारी सब चीज़ें अच्छे से भून गई हैं, हमने अच्छे से कर लिया है। इसके बाद जब टमाटर मेरे अच्छे से भून जाए तो मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने टिंडे में मसाले लपेट के रखे थे, वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पे टिंडे में आप देख ही सकते हैं काफ़ी सारे मसाले हमारे चिपक गए हैं, बिल्कुल सेट हो चुके हैं। बाकी हमारे कुकर में सेट हो जाएंगे, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये टिंडों को इसमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी याद रखें कि हमने मसाले तो डाले थे, लेकिन अभी हमने नमक को नहीं डाला है, और कोई भी सब्जी बिना नमक के बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। तो अभी हमें इसमें नमक भी ऐड करना है, वो अभी हम पहले टिंडे को अच्छे से भून कर टमाटर में मिक्स करते हुए तब इसमें ऐड करेंगे। जायकेदार सब्जी ये बनकर जो है वो तैयार होगी। थोड़ा सा पानी डालते हैं, बहुत थोड़ा पानी डालते हैं, ताकि हम जब अभी कुकर को ढककर रखें तो टिंडे हमारे कुकर से ना चिपके और वो जले नहीं। और अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक को डाल दूंगी। और एक बार इस नमक को डालने के बाद भी खूब अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। एक बार टिंडे को सेट करते हुए कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ। और कुकर का ढक्कन लगा के मुझे इसमें 1 सीटी आने तक वेट करना होता है। इसमें मुझे बस 1 सीटी लेनी होती है। और जैसे कुकर में 1 सीटी आ जाए तो मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसका प्रेशर निकलने दूंगी। जब मेरे कुकर का बिल्कुल प्रेशर निकल जाए तो मैं इसे खोल कर देखती हूँ। और ये देखिए, मेरी टिंडे की जायकेदार सब्जी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। आप खुद देख सकते हैं क्या मसाला टिंडे बनकर आए हैं। और अभी आपको लग रहा हो कि थोड़ा लिक्विड है, तो अभी बस इसे 2 से 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। और फिर आप देखिएगा जो मसाले इन टिंडों पर चिपक कर आते हैं,
उससे जो टिंडे का फ्लेवर आता है वो बहुत लाजवाब होता है। और मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, हमारे टिंडे भी एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, तो मतलब हमारी सब्जी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। इसे मैं स्पून से कट करते हुए दिखा रही हूँ, तो टिंडे हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो 2 मिनट बाद हम देखेंगे तो बिल्कुल मसाले भी इसमें लपेट जाएंगे और फिर हम सर्व करेंगे। और हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं आपको टिंडे की सब्जी सर्व करते दिखाती हूँ। और देखिए हमारे मसाले जो है कितने लपेट गए हैं आपस में, और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।